स्वागत है दोस्तों फिर से एक नए वीडियो पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जिन लोगों ने भी अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है तो उसका स्टेटस हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। मुझे काफ़ी कमेंट भी आई कि भाई आप बताओ कि स्टेटस कैसे चेक करना है स्कॉलरशिप के फॉर्म के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप गूगल पर टाइप करेंगे MahaBOCW तो वहाँ पर से आप टाइप करने के बाद सर्च करेंगे तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए कंस्ट्रक्शन वर्कर अप्लाई ऑनलाइन क्लेम, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ क्लिक कर देना आपको, ठीक है। वहाँ क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पर आएंगे सेक्शन सेलेक्ट, यहाँ पर बोल रहा है कि सेलेक्ट सेक्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ आप इस पर टच करेंगे तो यहाँ पर अपडेट क्लेम पर आपको टच करना है, ठीक है। अपडेट क्लेम पर आपको टच करना है, अपडेट क्लेम पर जैसे ही आप टच करेंगे तो आपको जो फॉर्म सबमिट करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला होगा, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है और यहाँ पे सबमिट के बटन में आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, OTP आपको इधर डालना है, ठीक है। यहाँ OTP डालना है और वैलिड OTP भी आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही आप वैलिड OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए कुछ इस तरह से उसका इंटरफेस खुल कर आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्लेम किया था जो कि स्कॉलरशिप के लिए था, जो पहली से सातवीं तक के लिए बच्चों के लिए होता है, ठीक है। तो 5,000 रुपये के वास्ते मैंने किया था एक क्लेम, ठीक है। और यहाँ पे एक 2,500 रुपये का भी आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैंने क्लेम किया था जो कि डॉक्यूमेंट ठीक तरीके से अपलोड नहीं करने की वजह से वो हमारा अभी यहाँ पे रिक्वायर बता रहा है कि आपको रिमार्क बाय क्लर्क में आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो बता रहा है कि आपने ठीक से यहाँ पर वो बता रहा है कि आपने योग्य कागज़ पत्र अपलोड नहीं किया है, ठीक है। तो आपको योग्य कागज़ पत्र अपलोड करना होगा तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपने सही से यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे तो रिमार्क में क्लर्क में यहाँ पे ओके बताएगा या फिर पात्र बताएगा, ठीक है, आप इसके लिए पात्र है। तो यही बताना था दोस्तों कि स्टेटस कैसे चेक करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली मरतबा आए थे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।